डॉक्टर बनना है, आपको जनसेवा करनी है, सो दिस इज द ओनली थिंग, तो बिल्कुल ड्रॉप लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में अच्छा है, कोर्स अच्छा है, इज्जतदार है, पैसा अच्छा मिलता है, इसीलिए लोग इसकी तरफ जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जी हाँ, आप सबको एक कैप्शन से पता तो लग ही गया होगा अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यस, एक सबके दिमाग में आज ये क्वेश्चन है कि ड्रॉप ले या नहीं। कई बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से उनके दिमाग में ये आता है कि क्या हम लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए, अगर हमें नहीं ड्रॉप लेना चाहिए तो फिर क्या करें। सो आज इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक बात बताओ, नीट का पेपर अगर आप देखा जाए, है ना, नीट का पेपर कैसा था? बायो देखा जाए, बायो वॉज ईजी। बच्चों के जो रिव्यू मेरे पास आए हैं वो ये आया कि बायो जो था बहुत ईजी था, डायरेक्ट NCERT से था। उसके अलावा फिजिक्स भी काफ़ी ईजी था, एंड देखा जाए आपका जो केमिस्ट्री था वो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था। एग्री करते हो आप लोग? ठीक है, अच्छा। फिर ना कई बच्चों के जो कम मार्क्स आए हैं कि हाँ वो डाइसी है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या उनको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम हम लोग ड्रॉप ले या नहीं। बहुत बच्चों के मैसेज आए कि मैम ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करें हम लोग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात कहूँगी कि आपका टारगेट क्या है। हमेशा ये दिमाग में लगा के रखना कि आपका टारगेट क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है ना। टारगेट यानी कि आप बनना क्या, मतलब क्या सोचा था आप लोगों ने, क्या सोचा था कि आपका नीट क्वालिफाई होगा और आपके नाम के आगे क्या लगेगा, डॉक्टर। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही चाहिए था आप लोगों को कि नाम के आगे जी हमारा डॉक्टर लग जाए, स्टेथोस्कोप मिल जाए, लैब कोट हमारा होना चाहिए, मस्त तरीके से अपनी ऐसी जिंदगी हम लोगों ने जीनी है। अगर ये टारगेट था तो यानी कि आप लोगों ने 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है ना, 11th and 12th में बहुत अच्छे से मेहनत करी है, ये बात समझते हो, ठीक है। बट स्टिल मेहनत करने के बाद भी हमारे जो मार्क्स हैं वो जितने भी आप लोगों ने कैलकुलेट करे वो क्या है, कम, ठीक है। तो एक चीज जो अफेक्ट करी है आप लोगों को, दैट इज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। एक चीज जो अफेक्ट करी है वो क्या है, आपकी डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हुई जिसकी वजह से 11th क्लास में, चाहे वो गर्लफ्रेंड का पंगा था, चाहे आपका जो भी पंगा था, उसकी वजह से आपके मार्क्स आए कम, है ना। आप लोगों ने इतना कैलकुलेट कर लिया। अब आज के टाइम पे क्या आपको ये पता लग चुका है, जिन बच्चों के मार्क्स कम है, क्या आपको पता लग चुका है कि क्यों, क्या डिस्ट्रैक्शन थी, क्या आपको पता लग गया इस बारे में? एंड अगर आपको ये लगता है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है आप लोगों की, अगर आप इसको हटा के इन चीजों से ओवरकम होकर अगर आप मेहनत कर सकते हो, देन गाइस आप लोगों को ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है। ये सोच लेना कि ये डिस्ट्रैक्शन इस समय आपकी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन थी। भाई इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया था, क्यों, मेरा 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो स्कूल था, मैं मेजर टाइम स्कूल में होता था और मैं पढ़ नहीं पाता था, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से नहीं हो पाया, या फिर ये प्रॉब्लम है मेरे पास, है ना। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी तो उसकी वजह से आप लोगों ने सोचा होगा ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको लेना चाहिए ड्रॉप। मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो इसके पीछे भी बहुत सारी कंडीशन होती है, ठीक है। सबसे बड़ी कंडीशन होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है बेटा आप खुद, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है जी हाँ एक साल अगर आप बैठ के आराम से मेहनत करके अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो बिल्कुल ड्रॉप लो। दूसरे जो डिस्ट्रैक्शन, दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो कि नहीं मैंने ड्रॉप करना ही करना है, क्यों, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो इस बार नहीं होगी इसीलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, गाइज गो फॉर ड्रॉप, ठीक है। ये कन्विंस करना भी आपकी ड्यूटी। भाई जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमें सबका सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को फैमिली से टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज जिसके बारे में किसी को नहीं सोचना है वो है रिलेटिव्स, बाहर में जाए रिलेटिव्स, ठीक है। सोचने दो उनको जो सोचते हैं, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, भड़काएंगे भाई पेरेंट्स को, भाई इसको ड्रॉप मत कराओ, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी 11th 12th में इतने कोचिंग में पैसे दे दिए तो अब बिल्कुल ड्रॉप मत कराओ, है ना, ये बात आएगी। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारे पेरेंट्स पे, तो इनको मत सोचो, ठीक है। ये वही रिलेटिव्स हैं जो एक बार आप डॉक्टर बन गए तो आपके पास आएंगे, हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करेंगे और बोलेंगे भाई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों को इसे हॉस्पिटल में दिखाना है, ये है वो है, बहुत जगह आके भाई ऐसे लोग आएंगे। तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, रिलेटिव्स के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ सोचना है अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, इन दोनों के बारे में,
ठीक है, तो आपको क्या डिस्ट्रैक्शन पता लग गया, क्या डिस्ट्रैक्शन थी, किस वजह से आप नहीं कर पाए थे। तो आप ये सोच लेना, ये ड्रॉपर्स एवरीवन बिल्कुल ध्यान से सोचना, ऐसा नहीं है ड्रॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता भाई, ड्रॉपर्स का सिलेक्शन होता है। आप लोग जितने भी लोगों से मिलते हो, है ना, और इनफैक्ट हम अगर बात करें, हम जितने भी बच्चों से मिलते हैं उनमें सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं और ज़्यादा ज़्यादा वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, है ना। तो हम लोगों को पता है वो किस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, सो उस कंडीशन के बारे में हमें बात करनी है। तो ये मेजर दो प्रॉब्लम आती है। अगर आपको लगता है, अगर आपने आज अगर जान लिया कि क्या डिस्ट्रैक्शन क्या है, तो बिल्कुल आगे बढ़ना, टारगेट नीट छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, और नाम के आगे डॉक्टर लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब समझ गए आप लोग क्यों आप लोगों ने ड्रॉप करना है। अच्छा, अब बताते हैं जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, पेरेंट्स का प्रेशर है, या फिर कुछ को ऐसा लगता है नहीं यार बस इतना ही हो गई, 11 12 तो मैंने बहुत मेहनत कर दी, अब मेरी नहीं होगी, अब मैं CUET के द्वारा किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगा, तो ठीक है, यू आर ऑल्सो क्लियर फॉर दैट, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको भी क्लियर कर गए तो भाई आगे यूनिवर्सिटी में चले जाओ। क्या उसके बाद आपका करियर नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ एक सोल टारगेट है, मतलब इधर उधर ना देखे, डॉक्टर बनना है, आपको जनसेवा करनी है, सो दिस इज द ओनली थिंग, तो बिल्कुल ड्रॉप लेना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके भाई बहन नहीं डिसाइड करेंगे, आपके फ्रेंड्स नहीं डिसाइड करेंगे, बिल्कुल आप शांति से बैठो, आप एक घंटा लो वो शांति वाली जगह पे बैठो, शांति जी को साथ बिठा के बैठो, मैं हर बार बोलती हूँ, बिठाओ और आराम से सोचो क्या करना चाहते हो। अगर नीट 2024 नहीं सिलेक्ट करना, नहीं जाना इसमें, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसकी तरफ चले गए, है ना। तो आप लोगों को खुद ये बैठ के आज डिसाइड करना है। बेटा मैं अगर ये कहूँ भाई सारे बच्चे ड्रॉप कर दो, ठीक है, क्यों, हर बच्चे की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बातें, हर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन भी एक तरीके की नहीं होती। अच्छा, कैन यू सी योर वीकनेस, अब बहुत अच्छी बात है, अब मेरी बात सुनो, जो भी बच्चे ड्रॉपर है उन्होंने सोच लिया कि नहीं हम लोगों ने ड्रॉप करना ही करना है, माना कि रिजल्ट नहीं आया चाहे कुछ भी है, बट वो क्लियर है भाई इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है ना, सोच लिया। नाउ अगर आप लोगों ने पेपर जो आपका देखा है, ठीक है ना, पेपर बिल्कुल, या आप लोगों ने जो पेपर देखा ना, लाइव एक्सपीरियंस था आपका, अब इस पेपर में आप जब बैठे तो आपको पता लगा भाई मेरे को किस चीज़ में मेहनत करने की ज़रूरत है। नाउ सपोज करो, मेरे बायो वाले बच्चे कहते हैं कि जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर मोटो मोटी तौर पे उन लोगों को ये लगता है कि मैंने सारे दुनिया जहाँ के नोट्स तो पढ़ लिए बट मैंने NCERT को रीड नहीं किया। बार बार आप लोगों को यही सेशन में बताया जाता है कि NCERT क्या है, NCERT एक दरिया है, ठीक है, अगर उसको पढ़ने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे निकल जाते हैं 100%। उनको ये लगता है चाहे जेनेटिक्स या कोई पर्टिकुलर चैप्टर आप लोगों का वीक है, चाहे वो फिजिक्स है चाहे वो केमिस्ट्री है, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने NCERT रीड नहीं करी, है ना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर मैं इन वीकनेस से ऊपर उठ के पेपर को अच्छे से दे सकता हूँ, भाई साहब ड्रॉप कर लो, सोचो मत इस चीज़ को, ड्रॉप कर लो। ड्रॉपर्स में भी सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा भाई एक साल ड्रॉप कर दोगे, जी हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब भी आएंगी आप लोगों को, आपके पेरेंट्स आपको बार बार बोलेंगे, आपको रिलेटिव्स आपको बार बार बोलेंगे देखो क्या क्या कर रहा है वो घर बैठा है, इट्स ओके डोंट वरी, ठीक है, वो डिप्रेशन वो प्रॉब्लम आपको बार बार आएगी, बट वॉरियर्स वही होते हैं जो इन चीज़ों को ओवरकम करते हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगी, अगर आप आज सोच लिया है कि आप लोगों ने ड्रॉप करना ही करना है, तो बेटा ये सोच लेना प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, इररिस्पेक्टिव इन सब के मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे सिर्फ एक टारगेट बनाना है, टारगेट नीट 2024, गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज बहुत अभी तो हमारा रिजल्ट आना बाकी है, और रिजल्ट से पता लग जाता है आपका BMS हो सकता है, BHMS हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, CUET के थ्रू एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप PhD कर सकते हो, नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या उसमें पैसा नहीं कमाया जाता? पेरेंट्स कमाया जाता है, पर वहाँ तरीका अलग होता है, यहाँ पे आप जनसेवा अलग तरीके से कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी सोच है। आप ये मत सोचना कि और कोर्सेज ऐसे नहीं है जहाँ पे मैं अच्छा नहीं कमा सकता, कर सकते हो, अल्टीमेटली क्यों कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको
सर्विस करनी है, ठीक है, जो लोगों को जन सेवा करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में अच्छा है, कोर्स अच्छा है, इज्जतदार है, पैसा अच्छा मिलता है, इसीलिए लोग इसकी तरफ जाते हैं, बट ये जिंदगी का एंड नहीं होता। इसलिए मोटिवेट रहा करो भाई, जो कर रहे हो ना एक वो दम लगा के करो कि भी हम लोग ये कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं गाइस बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे तो दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको हिला दे। सुन लो मेरी बात, ये बात आज की नहीं, ये फैक्ट है। अगर आप हिम्मत रखोगे कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ, अरे भाड़ में जा रहे जरूर चुप हो जा, तो अरे मुझे सुनना ही नहीं है तेरी बात है, ये इस एटीट्यूड को सुन रखो, ठीक है। कोई एक मेंटर चुनो, कोई भी मेंटर, वट एवर यू वॉन्ट, जो अच्छा लगता है मेंटर चुनो, सबका एक ही रास्ता है, वो टीचर आपको नीट की तरफ लेकर ही जाएंगे। आपका मन कहे उनको चूज करो, उनकी बात सुनो, भाई कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत सिलेक्शन ऊपर नीचे हो जाएगा, वेरी लेस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज़ मैटर करती है, वो है आपकी खुद की मेहनत। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, डिस्ट्रैक्शन पता लगी, अब इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाना है आप लोगों ने। ये जो प्रॉब्लम्स थी, जो आपकी वीकनेस थी, इसका फायदा उठाना है। और इसका फायदा आप कैसे उठाओगे, इन टॉपिक्स को फोकस करके। आपने पूरा पेपर कर लिया, अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, एनालिसिस, है ना, एनालिसिस करोगे, पेपर देखो बेटा, खुद अपनी आंखों से देखो। आप लोगों ने सब कुछ नोटिस कर लिया, वो प्रेशर भी झेल लिया एग्जाम में, ठीक है, प्रॉपर वो प्रेशर अच्छे से झेल चुके हो, प्रॉब्लम आप लोग सॉर्ट, मतलब प्रॉब्लम पूरा अच्छे से फेस कर लिया, ठीक है। तो एनालिसिस करो, खुद से बैठो, इट्स ओके, अभी हमारे पास बहुत टाइम है कि भाई कौन सा चैप्टर मुझे पहले स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली तुमसे पहले तो हम लोग बैठे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हमें दे दिया करो, हम लोग बिल्कुल अच्छे से डिसाइड करते हैं, बहुत सारी हमारी जो पूरी टीम है वो बैठती है, वो डिसाइड करती है भाई कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर पे कम फोकस करना है। हम इक्वली मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, चलो ठीक है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ, ये सोच के चलना, डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगी, डिप्रेशन भी आएगा, अपने आप को कंपेयर मत करना। ये नहीं कि आप ये कंपेयर करो, जी फालने का एडमिशन हो गया, मैं तो उसका जूनियर हूँगा मेडिकल कॉलेज में, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या होगा आप लोगों का, उसका एक MBBS पहले ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद एक साल बाद आप लोगों की MBBS ख़त्म हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, या फिर आपके क्या होता है, आपकी फैमिली में क्या हुआ, किसी ने छोड़ दिया नीट और वो उससे सिलेक्शन ले लिया आपका किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, वो आके आपको बोलता है भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसके बाद मैं ये कर लूँगा, इसके बाद मैं वो कर लूँगा, फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्या मेरा ये सही डिसीजन था। आज आराम से बैठना, एक घंटा लगाना और इस चीज़ को सोचना कि आपने करना क्या है, ठान लो उस एक पूरे साल में उसके बाहर नहीं जाना। आप लोगों ने अगर सोच लिया नीट तो भाई इसके बाहर नहीं जाना, अगर नहीं सोचा तो बिल्कुल आप लोगों ने कहीं ना कहीं एडमिशन्स ले लेना है। तो डोंट वरी अबाउट इट, अपने आप को डिसहार्टन मत करना, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, सबकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, सबका IQ लेवल आपका अलग अलग होता है, सो इसलिए डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से इज ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स 2024 वाले, और जिनका नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बहुत टॉप चीज़ नहीं छोड़ दी आप लोगों ने, बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी हैं आप लोगों के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को, अपने दिल की सुनो, वही करो जो आप चाहते हो, ठीक है। नीट 2024 में डेफिनेटली आई विल बी देयर फॉर यू गाइस, बहुत अच्छे से कोर्सेज स्टार्ट होंगे, उन कोर्सेज में हम बैठेंगे आराम से, आप और मैं मिलके क्लासेस करेंगे, ठीक है। वी विल बी लुकिंग एट ईच एंड एवरी टॉपिक, साथ बैठ के एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अगर आपने ठान लिया है तो ये स्टेथोस्कोप बिल्कुल आपके नेक में होगा ही होगा, गारंटी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड एक चीज़ और कहूँगी, अगर ठान ली तो पूरे साल ये सोचना कि अगले साल मेडिकल कॉलेज तो भाई मैं जा ही रहा हूँ। और ये चीज़ याद रखना, जितना अपना एनवायरनमेंट को आप पॉजिटिव खुद से रखोगे ना, उतनी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। जितना नेगेटिव रखोगे, अरे यार ये कैसे कह रहा है, आप सोच रहे हो बैठ के, नहीं, आप पॉजिटिव रहो, बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई वोंट टेक मच टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू, बाय बाय।